Oy. ना जी के खजूल ना डाटा ठीक हो सकती है डाटा लता जी को हो सकती है मैंने पुष्मा जर मौसम तायों से पंजिया जी के तायों चल सुनना छोपो सोलिया तंजू आवाम ही फरेश या जति के ना ताब में ना जहलिया जी डॉक्टर उन जी के ताशन तम चखर्चा यों दोन सरसी तंग ना तंग सोलिया तंजू दे जग ने जी के तायों सीन नया कसा एक ऑब्जेक्टिव होता है कोई भी आप गेम करोगे या कोई भी जब पेशेंट को देखोगे तो खासकर बाकरिया का अगर आप लेंगे तो हमारा एक मुद्दा रहता है कि पेशेंट को किस टाइप का फायदा हम दे रहे हैं पेशेंट को किस टाइप की बीमारी या तकलीफ के बारे में हम स्क्रीन करके उनका इलाज किया जाए या मजीद जांच किया जाए तो बोन डेंसिटोमेट्री जो है वो एक ऐसा टेस्ट है जो यहाँ पे होता नहीं है। सेकंडली हमारे यहाँ पे ऑस्टियोपेनिया या बोन की जो कमजोरी है हमारे लोगों में ज्यादा पाया जाता है, लिहाजा हम जब इलाज करते हैं पेशेंट को विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन हम इनको इलाज पे डाल देते हैं। लेकिन कोर्स कितना देना है या कब तक इसको दवाई खाना है, इन कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो उसको देखने के लिए ये बोन मास डेंसिटोमेट्री जो है वो बहुत जरूरी होता है, जिसकी फैसिलिटी हमारे यहाँ पे है नहीं है। लिहाजा पेशेंट को अगर हम श्रीनगर या जम्मू या दिल्ली भेज दें तो आपको बखूबी हालों में कितना खर्चा होता है। हम चाहते हैं कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहा है हेल्थ एट डोर स्टेप, तो ये भी एक आपके सामने मशीन लाके करगिल में ही लाके क्यों ना हम पेशेंट को ये सुविधा उपलब्ध कराएं, तो यही हमारा मकसद था बीएमडी यहाँ पे करना कराने का। तो इस साल हमने नया दूसरा मशीन लाया है जो कल्किनियम पे आपका देख लेते हैं, तो अल्लाह की फजल से लोग आ रहे हैं। अपने लास्ट ईयर के जो पेशेंट्स के फॉलोअप हो रहे हैं उनमें भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं वाकई में जिनका इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन बदकिस्मती है कुछ पेशेंट्स हमारे पास अभी तक मेरे पास आए हैं जो डिफॉल्टर भी हैं, जो जिन्होंने दवाई नहीं छोड़ा है और उनका टेस्ट जो है वो खराब आ रहा है। इसके बाद आखिर ना कहते हुए